आज हम बात करेंगे एक अनपढ़ सर्जन की। कैपटाउन का अनपढ़ सर्जन मिस्टर हैमिल्टन, जिसको मास्टर ऑफ मेडिसिन की अजाजी डिग्री दी गई, जो ना लिखना जानता था ना पढ़ना, ये कैसे मुमकिन है? आइए देखते हैं। कैपटाउन की मेडिकल यूनिवर्सिटी को तिब्बी दुनिया में मुमताज हैसियत हासिल है। दुनिया का पहला बाईपास ऑपरेशन इसी यूनिवर्सिटी में हुआ था। इस यूनिवर्सिटी ने चंद साल पहले एक ऐसे स्याफाम शख्स को मास्टर ऑफ मेडिसिन की अजाजी डिग्री से नवाजा, जिसने जिंदगी में कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, जो अंग्रेजी का एक लफ्ज पढ़ सकता था ना ही लिख सकता था। लेकिन 2003 की एक सुबह दुनिया के मशहूर सर्जन प्रोफेसर डेविडेंट ने यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में ऐलान किया, आज हम एक ऐसे शख्स को मेडिसिन की अजाजी डिग्री दे रहे हैं जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा सर्जन पैदा किए, जो एक गैर मामूली उस्ताद और एक हैरानकुन सर्जन है, और जिसने मेडिकल साइंस और इंसानी दिमाग को हैरान कर दिया। इस ऐलान के साथ ही प्रोफेसर ने हैमिल्टन का नाम लिया और पूरे ऑडिटोरियम ने खड़े होकर इसका इस्तकबाल किया। ये इस यूनिवर्सिटी की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल था। हैमिल्टन कैपटाउन के एक दूर दराज गाँव में पैदा हुआ। इसके वालदैन चरवाहे थे। वो बकरी की खाल पहनता था और पहाड़ों पर सारा दिन नंगे पांव फिरता था। बचपन में इसका वालिद बीमार हो गया, लिहाजा वो भेड़ बकरियां छोड़कर कैपटाउन आ गया। इन दिनों कैपटाउन यूनिवर्सिटी में तमीरात जारी थी। वो यूनिवर्सिटी में मजदूर भर्ती हो गया। इसे दिन भर की मेहनत मशक्कत के बाद जितने पैसे मिलते थे वो ये पैसे घर भिजवा देता था और खुद चने चबाकर खुले ग्राउंड में सो जाता था। वो बरसों मजदूर की हैसियत से काम करता रहा। तामीरात का सिलसिला खत्म हुआ तो वो यूनिवर्सिटी में माली भर्ती हो गया। इसे टेनिस कोर्ट की घास काटने का काम मिला और रोज टेनिस कोर्ट पहुंचता और घास काटना शुरू कर देता। वो 3 बरस तक ये काम करता रहा। फिर इसकी जिंदगी में एक अजीब मोड़ आया और वो मेडिकल साइंस के उस मुकाम तक पहुंच गया जहां आज तक कोई दूसरा शख्स नहीं पहुंचा। ये एक नरम और गर्म सुबह थी। प्रोफेसर रॉबर्ट जॉन्स जराफे पर तहकीक कर रहे थे। वो ये देखना चाहते थे कि जब जराफा पानी पीने के लिए गर्दन झुकाता है तो इसे गशी का दौरा क्यों नहीं पड़ता। इन्होंने ऑपरेशन टेबल पर एक जराफा लिटाया, उसे बेहोश किया, लेकिन जो ही ऑपरेशन शुरू हुआ जराफे ने गर्दन हिला दी। चनाचे इन्हें एक ऐसे मजबूत शख्स की जरूरत पड़ गई जो ऑपरेशन के दौरान जराफे की गर्दन जकड़ कर रखे। प्रोफेसर थिएटर से बाहर आए, सामने हैमिल्टन घास काट रहा था। प्रोफेसर ने देखा वो एक मजबूत कद काट का सेहतमंद नौजवान है। इन्होंने इसे इशारे से बुलाया और इसे जराफे की गर्दन पकड़ने का हुक्म दे दिया। हैमिल्टन ने गर्दन पकड़ ली। ये ऑपरेशन 8 घंटे जारी रहा। इस दौरान डॉक्टर चाय और कॉफ़ी के वक्फे करते रहे, लेकिन हैमिल्टन जराफे की गर्दन थामकर खड़ा रहा। ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो वो चुपचाप बाहर निकला और जाकर घास काटना शुरू कर दी। दूसरे दिन प्रोफेसर ने इसे दोबारा बुला लिया। वो आया और जराफे की गर्दन पकड़कर खड़ा हो गया। इसके बाद इसकी रूटीन हो गई। वो यूनिवर्सिटी आता, 8-10 घंटे ऑपरेशन थिएटर में जानवरों को पकड़ता और इसके बाद टेनिस कोर्ट की घास काटने लगता। वो कई महीने दोहरा काम करता रहा और इसने इस ड्यूटी का किसी किस्म का इजाफी मुआवजा तलब किया और ना ही शिकायत की। प्रोफेसर रॉबर्ट जॉन्स इसकी इस्तकामत और इखलास से मुतासिर हो गया और उसने इसे माली से लैब असिस्टेंट बना दिया। मिल्टन की प्रमोशन हो गई। वो अब यूनिवर्सिटी आता, ऑपरेशन थिएटर पहुंचता और सर्जनों की मदद करता। ये सिलसिला भी बरसों जारी रहा। 1958 में इसकी ज़िंदगी में दूसरा अहम मोड़ आया। इस साल डॉक्टर बर्नार्ड यूनिवर्सिटी आए और इन्होंने दिल की मुंतकली के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिए। हैमिल्टन इनका असिस्टेंट बन गया। वो डॉक्टर बर्नार्ड के काम को गौर से देखता रहता। इन ऑपरेशनों के दौरान वो असिस्टेंट से एडिशनल सर्जन बन गया। अब डॉक्टर ऑपरेशन करते और ऑपरेशन के बाद इसे टांके लगाने का फरीजा सौंप देते। वो इंतहाई शानदार टांके लगाता था। इसकी उंगलियों में सफाई और तेज़ी थी। इसने एक एक दिन में 50-50 लोगों को टांके लगाए। वो ऑपरेशन थिएटर में काम कर
सर्जनों से ज्यादा इंसानी जिस्म को समझने लगा। वो अब जूनियर डॉक्टरों को ऑपरेशन की तकनीक सिखाने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटी की अहम तरीन शख्सियत बन गया। वो मेडिकल साइंस की इस्तलाहात से ना वाकिफ था, लेकिन वो दुनिया के बड़े से बड़े सर्जन से बेहतर सर्जन था। 1970 में इसकी ज़िंदगी में तीसरा मोड़ आया। इस साल जिगर पर तहकीक शुरू हुई, तो इसने ऑपरेशन के दौरान जिगर की एक ऐसी शरयान की निशानदेही कर दी जिसकी वजह से जिगर की मुंतकली आसान हो गई। इसकी इस निशानदेही ने मेडिकल साइंस के बड़े बड़े दिमागों को हैरान कर दिया। आज जब दुनिया के किसी कोने में किसी शख्स के जिगर का ऑपरेशन होता है और मरीज आंख खोल कर रोशनी को देखता है, तो इस कामयाब ऑपरेशन का सवाब बराह रास्त हैमिल्टन को चला जाता है। इसका मोहसिन हैमिल्टन होता है। हैमिल्टन ने ये मुकाम इखलास और इस्तकामत से हासिल किया। वो 50 बरस कैपटाउन यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहा। इन 50 बरसों में इसने कभी छुट्टी नहीं की। वो रात 3 बजे घर से निकलता था, 14 मील पैदल चलता हुआ यूनिवर्सिटी पहुंचता और ठीक 6 बजे थिएटर में दाखिल हो जाता। लोग इसकी आमदोरफ्त से अपनी घड़ियां ठीक करते थे। इन 50 बरसों में इसने कभी तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा नहीं किया। इसने कभी औकातकार की तवालत और सहूलतों में कमी का शिकवा नहीं किया। फिर इसकी ज़िंदगी में एक ऐसा वक़्त आया जब इसकी तनख्वाह और मुराद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से ज़्यादा थी, और इसे वो एजाज़ मिला जो आज तक मेडिकल साइंस के किसी शख्स को नहीं मिला। वो मेडिकल हिस्ट्री का पहला अनपढ़ उस्ताद था। वो पहला अनपढ़ सर्जन था जिसने ज़िंदगी में 30,000 सर्जनों को ट्रेनिंग दी। वो 2005 में फौत हुआ, तो इसे यूनिवर्सिटी में दफन किया गया। और इसके बाद यूनिवर्सिटी से पास आउट होने वाले सर्जनों के लिए लाजिम करार दे दिया गया वो डिग्री लेने के बाद इसकी कब्र पर जाएं, तस्वीर बनवाएं और इसके बाद अमली ज़िंदगी में दाखिल हो जाएं। मैं रुका और इसके बाद नौजवानों से पूछा, तुम जानते हो इसने ये मुकाम कैसे हासिल किया? नौजवान खामोश रहा। मैंने अर्ज किया, सिर्फ एक हाँ से। जिस दिन इसे जराफे की गर्दन पकड़ने के लिए ऑपरेशन थिएटर में बुलाया गया था, अगर वो इस दिन इनकार कर देता, अगर वो इस दिन ये कह देता मैं माली हूँ, मेरा काम जराफों की गर्दनें पकड़ना नहीं, तो वो मरते दम तक माली रहता। ये इसकी एक हाँ और 8 घंटे की इजाफी मशक्क़त थी जिसने इसके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल दिए और वो सर्जनों का सर्जन बन गया। हम में से ज़्यादातर लोग ज़िंदगी भर जॉब तलाश करते रहते हैं, जबकि हमें काम तलाश करना चाहिए। दुनिया की हर जॉब का कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है, और ये जॉब सिर्फ उसी शख्स को मिलती है जो इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है, जबकि काम का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। मैं अगर आज चाहूँ तो मैं चंद मिनटों में दुनिया का कोई भी काम शुरू कर सकता हूँ, और दुनिया की कोई भी ताकत मुझे इस काम से पास नहीं रख सकेगी। हैमिल्टन इस राज को पा गया था, लिहाजा इसने जॉब की बजाय काम को फौकियत दी। यूं इसने मेडिकल साइंस की तारीख बदल दी। ज़रा सोचो, अगर वो सर्जन की जॉब के लिए अप्लाई करता तो क्या वो सर्जन बन सकता था? कभी नहीं। लेकिन इसने खुरपा नीचे रखा और जराफे की गर्दन थामी और सर्जनों का सर्जन बन गया। और हम इसलिए बेरोजगार और नाकाम रहते हैं कि सिर्फ जॉब तलाश करते हैं, काम नहीं। जिस दिन हैमिल्टन की तरह काम शुरू कर दिया तो नोबेल प्राइज़ हासिल कर लोगे और बड़े और कामयाब इंसान बन जाओगे।